हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही बढ़िया बाइक आप लोग के लिए लेके आया हूँ। दिवाली का ऑफर भी चल रहा है इस बाइक में, 10,000 की छूट आपको मिल रही है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,82,000 है। चलिए बताते हैं बाइक के बारे में। ये है एक्सपल्स 200 प्रो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैजिंग लिखी हुई है एक्सपल्स प्रो की। तो इसमें खास बात क्या है वो बताएंगे। उससे पहले आपको मैं इंजन के कुछ स्पेक्स बता देना चाहता हूँ। इसका जो इंजन है वो 200cc का है एंड बाइक देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एंड इसमें जो आपको पावर मिलती है 19.1 PS की पावर मिलती है, 70 Nm टॉर्क मिल जाता है आपको देखने के लिए। एंड साथ ही साथ अगर मैं इसके डिस्क ब्रेक की बात करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पेटल डिस्क दिया हुआ है ताकि इसकी कूलिंग अच्छी रहे, ताकि आप ऑफ रोड में जब ज़्यादा ब्रेकिंग करो तो इसकी जो हीटिंग इशू है ना ज़्यादा ना हो और कूलिंग टाइम से हो जाए। 273 mm का यहाँ पे डिस्प्लेट आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। तो अगर पीछे ब्रेक की बात करूँ, यहाँ पे भी आपको पेटल डिस्क देखने को मिलता है, बट यहाँ पे सिंगल चैनल ABS बाइक है। निसन के कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड एक अपडेट और कर दिया रैली में, जब पहले रैली कि जो बाइक आती थी उसमें जो एग्जॉस्ट था वो साइड से आता था जिससे थोड़ी हीटिंग इशू होती थी पैरों में। अब कंपनी ने क्या किया, इसको पूरा नीचे से दे दिया है अंडर बैली, तो अब और बढ़िया यहाँ पे दिखने में भी लग रही है और आपको हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़ोरदार जो चीज़ है इसमें, जो आप ये देख रहे हो ना, इतना लंबा सा जो शॉकर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो है 270 mm का है, ये रैली प्रो एडिशन में इस ट्रैवल का आपको देखने को मिलता है, मगर अगर मैं स्टॉक की बात करूँ आपको 200 mm का ही देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं पीछे के शॉकर की बात करूँ, ये 220 mm का है, तो यहाँ पर ट्रैवल ज़्यादा आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट कम है तो दिक्कत आपको होने वाली है। मेरी हाइट है 5'8" और मैं अभी इसमें बैठूँगा। 885 mm की इसकी सीट है। अब आप देखिए मैं बैठता हूँ तो मेरे पैर देख सकते हो कितने आ रहे हैं, टिपटो हो रहे हैं। हालांकि जब आप इसमें बैठोगे तो 10 से 15 mm ये डाउन हो जाएगी, तो अभी इस समय इसकी जो हाइट होगी वो होगी 855 तक, जो मेरे पैर इस तरीके से आ रहे हैं क्योंकि ये 10 से 15 mm नीचे हो गई है। और एक और कोई बैठेगा या सामान रखोगे थोड़ी और कम हो जाएगी, तो यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि ये जो बाइक है ना सिर्फ 161 kg की आपको देखने को मिलेगी। तो इसको चला के भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, उससे पहले कुछ और स्पेक्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी टैंक की बात करूँ, हालात कि ये छोटी लग रही है, बट ये 13 लीटर की टैंक आपको देखने को मिलती है। बाकी पावर फिगर वगैरह बता दिए। चलिए आपको अब दिखा देते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का है। ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एवरेज मिल जाता है, टाइम मिल जाता है देखने के लिए, यहाँ पर डेट भी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका मोड चेंज करते हैं हम। तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, कॉलिंग फीचर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर मोड दिया हुआ इको का। एंड यहाँ पे आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, रोड, ऑफ रोड एंड रैली। तो जैसा कि मैंने इस गाड़ी को चलाया है, मुझे इस मोड का कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आप अगर इसमें रैली मोड कर देते हो तो ABS बंद हो जाएगा, वैसे भी इसमें सिंगल चैनल ABS दिया हुआ है। तो डुअल चैनल ABS होता तो मैं मान सकता था कि भैया जब आप रैली में आओ या प्रो में आए हो तो पीछे का जो ABS है बंद हो जाएगा, यहाँ लेकिन पीछे ABS ही नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का इतना मतलब अंतर नहीं दिखा। फ़िलहाल ये गाड़ी जो है ना दिखने में तो बहुत बढ़िया है, चलने में भी बढ़िया है कि नहीं वो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सीधे मिलते हैं अब हेलमेट के कैमरे में और आपको दिखाते हैं चलने में कैसी है। और प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, 1,82,000 एंड पावर है 19 PS और 70 Nm की टॉर्क है। तो चलिए इसको चलाते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस में कैसी है। हाँ तो गाइस, अब चलाते हैं इस गाड़ी को और देखते हैं चलने में कैसी है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देख लीजिए E20 का ये वेरियंट है BS7 एंड इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा है भाई, बैठते हैं एक बार। ये देखिए पैर तो मेरे पहुंच ही नहीं रहा है इसमें सही से। एंड जो इसका USB चार्जर है ना वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो टूरिंग और एडवेंचर के लिए तो एकदम बेस्ट है। साथ में यहाँ कंप्रेशन एंड रिमाउंट वाला भी एडजस्टमेंट आपको फ्रंट वाले सस्पेंशन में देखने को मिल जाता है, वो भी इतने कम दाम में। और क्या चाहिए भाई आपको ये बताइए, ठीक है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 10,000 का डिस्काउंट इस बाइक पे चल रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो सुपर ऑटोमोबाइल में कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप लखनऊ से हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई बाइक तो बहुत ही बढ़िया है चलने में, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। एंड पहली ऐसी बाइक प्रोडक्शन बाइक है जिसमें आपको 270 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। 13 लीटर की टैंक है, टूरिंग के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। माइलेज भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें, 40-45 तो माइलेज मिल जाता है। एंड शॉकर्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे कंप्रेशन एंड रिबाउंड।
पीछे वाला जो है वो 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनो शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है, जो कि भाई एक मैं कहूँगा यार ट्रैवलिंग के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है भाई, पिकअप के मामले में। वो भाई ये देखिए आप, पिकअप कम नहीं है इसका, मेरी वी शॉम से बढ़िया भाग रही है। अब इसका टॉप एंड कितना है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। आप इसको ना ट्रैवलिंग में बहुत इजीली कंफर्ट के हिसाब से चला सकते हो, माइलेज भी अच्छा पा सकते हो। बस थोड़ी सी जो दिक्कत आने वाली है वो है आपके जो सीट हाइट है, सैडल हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, 885 इसकी सैडल हाइट है, लेकिन यार शॉकर एक नंबर है भाई, आपको एकदम खतरनाक वाले झटके तो नहीं मिलने हैं इसमें। और तीन मोड के साथ ये बाइक आती है, लेकिन वो तीन मोड का कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि सिंगल चैनल ABS है। अब ABS में क्या होगा, या तो आगे का ऑफ हो जाएगा, वो होगा कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स। चल बढ़िया रही है, 172,100 लखनऊ। अगर ये आपको बाइक लेनी है तो भाई आ जाओ, ऑफर चल रहा है 10,000 का, क्योंकि 182,000 इसका ऑन रोड प्राइस है लखनऊ का, 10,000 डिस्काउंट के साथ, और फ्लिपकार्ट से भी थोड़े बहुत डिस्काउंट मिल जाएंगे अगर आप अपने कार्ड वगैरह से लेते हो तो। भाई देर किस बात की है, तो ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई है एक, ठीक है, होप करता हूँ अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो भाई करना कुछ नहीं है ज़्यादा, बस लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ जो इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं या एडवेंचर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा ऑफ रोड करने का बहुत इच्छुक है तो उसके लिए परफेक्ट रहेगी। तो मेरे हिसाब से बाइक एकदम बढ़िया है, हीरो एक्सपल्स प्रो एडिशन रैली प्रो है ना, तो भाई ये ले लो और एकदम मौज करो, ऑफ रोड आपके लिए एकदम मक्खन है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, हेलमेट अच्छा पहन के राइड करिएगा, मस्त रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाय बाय।